हाय फूडीज़, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिल्ले की रेसिपी, आटे के चिल्ले, जो कि रिक्वेस्टिंग वीडियो थी। 2-3 हफ्ते से इसकी बहुत रिक्वेस्ट थी तो आज मैं पूरी करने लगी हूँ। तो आटा ले लिया है व्हीट फ्लोर, उसके साथ ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का आटा ले लिया। उसमें मैंने डाल दी है मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर, और इसमें ऐड कर दिया है नमक एज़ टू टेस्ट। उसके साथ साथ हम मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया। तो इन तमाम स्पाइसेस को हम डाल के कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे कुछ वेजीज ले ली हैं, और वेजीज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉप ले ली है ग्रीन चिली, इसके साथ साथ मैंने चॉप ऑनियंस हैं और टोमेटोज हैं, एक टोमेटो था वो चॉप कर लिया है, और उसके साथ मैंने 2 बॉइल्ड मैश पोटैटो लिए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक बनने वाली रेसिपी है गाइस, कभी भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत 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 यम किस्म की बनती है, कुछ नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ आटा नहीं गूंदना है, अलहदा से आपको कोई चीज़ बनानी नहीं है। बस झटपट से इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको आप बनाते जाएं। तो ये बहुत कमाल की रेसिपी है, ये समझ लीजिए कि 10 मिनट में रेडी होने वाली ये रेसिपी है। और पानी जो है वो हम ऐड करेंगे ग्रेजुअली यानी कि आस्ता आस्ता इसमें ऐड करते जाएंगे। एकदम से आपको पानी को ऐड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला या थिन बैटर नहीं बनाना है, हमें बनाना है थोड़ा सा थिक बैटर। और इसको बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाती हूँ। तो जी बहुत ही रिक्वेस्ट थी इसकी मेरे चैनल पर, तो यहाँ पे मैं पूरी करने लगी हूँ। और अगर मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आप लोगों की भी अगर कोई फरमाइश है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी मैं इसको पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत स्पेशल थैंक्स भी करना था। मेरा बेकिंग जो वीक था बहुत अच्छा गुजरा, आप लोगों का बेहतरीन रिस्पॉन्स आया इस पर, और बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियोस में और लेकर आ रही हूँ आपके लिए, बहुत 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 कमाल की। तो इसी तरह मेरे चैनल को जो है वो प्यार देते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे लिंक को शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच गाइस। तो बहुत पसंद आया मुझे, मैंने इसको चाय के साथ इंजॉय किया था, और सुबह इसको मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में, तो कमाल का ब्रेकफास्ट रहा, बहुत 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 ज़बरदस्त। तो होप कि आपको ये आटे के चिले, आटे का पराठा, या आप इसको बोलें वेजीज पराठा, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, तो आपको होप कि बहुत बहुत पसंद आया होगा। देखिए इसका कलर कितना प्यारा गोल्डन सा हो गया है। तो मैं करती हूँ इसको इंजॉय, और फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, रिक्वेस्टिंग वीडियो में। और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी आप तमाम की रिक्वेस्ट जो आई हुई हैं उनको बारी बारी में जो है पूरा कर सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।